हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक बेंचर्स। आज हम अपना एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज सॉयल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। देखो, लास्ट जो हमने लेक्चर में बात की थी कि कौन कौन से टॉपिक के साथ हम डील करने वाले हैं, एंड अदर देन हम जिन जिन टॉपिक के साथ डील करने वाले हैं उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वेरियस एग्जाम के अकॉर्डिंग किस एग्जाम में कितना वेटेज रहता है, इसके बारे में हमने बात की थी। आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉयल मैकेनिक्स का। देखो, सोयल मैकेनिक्स स्टार्ट करने से पहले देखो, सोयल इंजीनियरिंग को हमने पहले भी बात की थी कि दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अगर हम इसको जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग लिखे तो ज्यादा बेटर वर्ड होगा, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। इसको हम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन इज सोयल मैकेनिक्स एंड सेकेंड वन इज फाउंडेशन इंजीनियरिंग। क्लियर है? अब हम जो डील करने वाले हैं वो सोयल मैकेनिक्स का पार्ट डील करने वाले हैं। सोयल मैकेनिक्स में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं बेसिक प्रॉपर्टी। तो देखो क्या होता है, कोई भी सोयल एग्जिस्ट करती है या कोई भी सोयल होती है उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती है जिनकी स्टडी करना हमें जरूरी होता है। क्योंकि देखो, सोयल में जब तक आपको किसी चीज की प्रॉपर्टी पता नहीं होगी तो आप उस पर लोडिंग कंडीशन का कुछ नहीं बता सकते, और लोडिंग कंडीशन का कुछ नहीं बता सकते तो उसके ऊपर आपको फाउंडेशन बनाने में प्रॉब्लम होगी। इसीलिए सबसे पहले हम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सोयल को डील करेंगे। उससे पहले देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज द फादर ऑफ सोयल मैकेनिक्स। मतलब आपको जो सोयल के बिहाफ, मतलब सोयल की जो स्टडी की थी या सोयल की जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो थ्योरीज दी गई है वो किसने दी थी। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम मेंशन करना चाहें तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऊपर ही ऊपर आपने देखा जब ये सब्जेक्ट स्टार्ट किया, तो इसको डेली टू डेली आप जितना रीड करोगे उनके नोट्स आप साथ में बना लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो देखना ध्यान से कि यहां पर टॉप में जब सब्जेक्ट का नाम लिखोगे उसके साथ आप ऊपर एक नाम और लिख दोगे, दैट इज फादर ऑफ सोयल मैकेनिक्स। फादर ऑफ सोयल मैकेनिक्स कौन है? दैट इज डॉक्टर कार्ल टर्जागी। डॉक्टर कार्ल टर्जागी, अब देखना डॉक्टर कार्ल टर्जागी है, इन्होंने सोयल की वेरियस जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े थे, शियर स्ट्रेंथ हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, या फिर आप फाउंडेशन इंजीनियरिंग में जाओगे उनमें वेरियस थ्योरीज दी थी। अब हम बात करते हैं, अब हमारा बेसिक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सोयल, या हम ये कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सोयल। प्रॉपर्टीज ऑफ सोयल को स्टार्ट करने से पहले देखो क्या करना है हमें। यहां पर हम सोयल की डेफिनेशन समझेंगे कि व्हाट इज सोयल, सोयल होती क्या है। ठीक है, सोयल बेसिकली थ्री स्टेट का मिक्सचर होती है। मतलब सोयल इज डिफाइंड एज द मिक्सचर ऑफ थ्री स्टेट, मिक्सचर ऑफ थ्री स्टेट्स, या थ्री टाइप ऑफ पार्टिकल। थ्री टाइप ऑफ पार्टिकल में कौन कौन से हो सकते हैं? दैट इज सॉलिड प्लस वाटर प्लस एयर। अब देखो, सॉलिड, वाटर और एयर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है वो आपको क्या बना देगा? सोयल बना देगा। अब बात करते हैं, जैसे देखिए एक अरेंजमेंट भी, ये एक ऐसा अरेंजमेंट है, ये सॉलिड पार्टिकल्स है, इनको कुछ ऐसे अरेंज किया जा रहा है। ठीक है, अब इन सॉलिड पार्टिकल्स को अरेंज जब हम करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा एक पर्टिकुलर वॉल्यूम बन के आएगा सोयल के। अगर हम इसको इस तरीके से देखते हैं तो हमारे पास कुछ एक सोयल का सैंपल बन के आया। इसमें कौन कौन सी चीज कंसिस्ट होती है? ये जो पार्टिकल है इनको हमने सॉलिड बता दिया, मतलब सोयल का एक जनरल स्ट्रक्चर बताया कि सॉलिड जो सोयल के पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरीके से अरेंज होते हैं। अब देखना, इसमें ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? वॉइड बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? वॉइड की डेफिनेशन आ गई कि वॉइड क्या होते हैं? स्पेस बिटवीन सॉलिड पार्टिकल्स। सॉलिड पार्टिकल्स के बीच के जो स्पेस होता है उसको क्या बोलेंगे? वॉइड बोलेंगे। और किसी भी सॉलिड पार्टिकल के बीच के स्पेस को हम दो मटेरियल से फिल कर सकते हैं, और दैट इज यहां पर दो चीजों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, वाटर और एयर। कोई एक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं इनमें से। तो देखो, वेट ऑफ एयर जो कंसीडर किया जाता है, अगर हम यहां पर वेट ऑफ एयर की बात करें तो जो वेट ऑफ एयर जो कंसीडर किया जाता है वो क्या कंसीडर किया जाता है? जीरो। मतलब एयर का वेट कितना लिया जाता है? जीरो। बट एयर का वॉल्यूम जरूर कंसिडर किया जाएगा। क्लियर है?
एयर का वेट तो हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे बट इसका वॉल्यूम जरूर कंसिडर करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब सॉयल बनेगी, ये पूरा क्या है, इसको हम क्या पूरे को क्या बोलेंगे, सॉयल सैंपल। सॉयल सैंपल है, उसमें क्या है कि सॉयल सैंपल किस किस चीज का मिक्सचर है, सॉलिड प्लस वॉइड का। तो मतलब हम यहां पर ये लिख सकते हैं सॉयल इक्वल्स टू सॉलिड प्लस वॉइड, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं दैट इज मिक्सचर ऑफ सॉलिड प्लस वॉटर प्लस एयर, क्योंकि ये किसका मिक्सचर था, वॉइड किस किस चीज का कॉम्बिनेशन था, दैट इज सॉलिड वॉइड किस किस का था, वॉटर प्लस एयर का मिक्सचर था। अब देखो ध्यान से कि जब सॉयल है वो किस किस का मिक्सचर हो गया, सॉलिड प्लस वॉटर प्लस एयर का। तो यहां पर अब हम बात करेंगे क्या ये वॉटर इसके अंदर अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, एयर अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा। देखो ध्यान से, सोयल एग्जिस्ट करने के लिए एक नेसेसिटी कंडीशन है, कभी भी वहां पर सॉलिड जीरो नहीं हो सकता। मतलब हम यहां लिख सकते हैं कि सॉलिड नेवर बी जीरो, सॉलिड कभी भी जीरो नहीं हो सकता। और सॉलिड अगर जीरो नहीं होगा तो इसका मतलब यहां पर ऑलवेज जब भी सॉयल की बात करेंगे तो उसमें कुछ सॉलिड कंटेंट अवेलेबल रहेगा, और जब सॉलिड कंटेंट अवेलेबल रहेगा तो देखना ध्यान से, यहां पर कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बन सकता है, या तो सॉलिड के साथ कुछ वाटर हो जाए, और या फिर सॉलिड के साथ एयर हो जाए, या फिर सॉलिड के साथ एयर प्लस वाटर दोनों हो जाए। ये तीनों ही कॉम्बिनेशन किसको दिखाते हैं, सॉइल को दिखाते हैं, क्योंकि देखो इसके बीच का जो खाली स्पेस है, सॉलिड के बीच का जो खाली स्पेस होता है उसको हम फिल कर सकते हैं, या तो यहां पर पूरे में इस जो ब्लैंक स्पेस है इसके अंदर पूरे में एयर हो सकती है, या इसके अंदर वाटर हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। तो देखना ध्यान से कि ये तीन अपने पास बेसिक स्टेट बन के आती है, और इन्हीं को इन्हीं के बेस पे आगे जाके हम क्या करेंगे, फेज डायग्राम को डिफाइन करेंगे। क्लियर है। अब फेज डायग्राम को डिफाइन करेंगे, उसके लिए क्या होगा यहां पर कि फेज डायग्राम को डिफाइन करने से पहले एक नोट का पॉइंट लिख लेते हैं, यहां पर एक नोट पॉइंट मेंशन कर देना साथ साथ कि वॉइड नेवर बी जीरो इन सोयल। अगर सोयल एग्जिस्ट कर रही है तो उसमें वॉइड कभी भी जीरो नहीं हो सकते। और दिमाग में आ रहा होगा क्यों नहीं जीरो हो सकते, तो उसको देखना, अगर यहां पर किसी भी चीज में ये वाला जो पोर्शन लिखा था, देखना ध्यान से, हाँ ये वाला जो पोर्शन था ये किसका था, वॉइड का पोर्शन था, और वॉइड को अगर हमने जीरो कर दिया इसका मतलब यहां पर क्या बचा, ओनली ऑन सॉलिड बचा हमारे पास। और जब प्योर सॉलिड अवेलेबल रहता है तो प्योर सॉलिड को क्या कहते हैं, रोक कह देंगे यहां पर, और रोक के डिसइंटीग्रेशन से, मतलब रोक है उसके अंदर कोई भी क्रैक नहीं है, कोई भी क्रैक नहीं है तो उसके अंदर कोई भी वॉइड नहीं होगा, और वॉइड नहीं होगा तो उसको हम सॉइल नहीं कह सकते, मतलब इसको हम सॉइल डिफाइन नहीं कर सकते। यहां तक बात समझ आगी। अब देखना कि अगर वॉइड जीरो, इसका मतलब उसको क्या कह सकते हैं, हम रॉक कह सकते हैं, और सॉइल का फॉर्मेशन की अगर बात करोगे तो यह डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक से मिलता है, मतलब रॉक को अगर तोड़ा जाए तो उसके बाद जो छोटे छोटे पार्टिकल फॉर्म होंगे उससे क्या बनती है, आपकी सॉइल बनती है। क्लियर है यहां तक। अब देखो इसके बाद हम बात करते हैं कि जो सॉयल है उसके फेज सिस्टम कितने होते हैं। अभी हमने बात की कि टोटल तीन फेज सिस्टम होते हैं, इनको डिफाइन करते हैं डायग्राम में, देखना ध्यान से। उससे पहले एक चीज और डिफाइन करेंगे कि ये जो डायग्राम होगा, बार बार जब आप बनाओगे तो ये डायग्राम थोड़ा सा टिपिकल डायग्राम हो जाता है, ये टिपिकल डायग्राम हो जाता है। तो अब हम इसको एक सिंपल फॉर्म में डिनोट करेंगे, और सिंपल फॉर्म में इसको कैसे डिनोट करेंगे, हम इसको पर्टिकुलर एक वॉल्यूम में दिखा देंगे, वॉल्यूम में एक पोर्शन सॉलिड का हो गया, फिर उसमें से एक स्मॉल पोर्शन वाटर का हो गया, फिर उसमें एक स्मॉल पोर्शन एयर का हो गया, मतलब ये तीनों का कॉम्बिनेशन दिखा दिया गया। अब देखो सॉलिड प्लस वाटर प्लस एयर, तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से क्या होता है कि यहां पर हमने इसको इजीली, जब भी हम बार बार स्टडी करेंगे तो बार बार ये डायग्राम बनाना थोड़ा टिपिकल रहता है, और जरूरी नहीं है क्या सॉलिड के पार्टिकल्स ऐसे ही दिखे, यहाँ सॉलिड के पार्टिकल्स ऐसे भी हो सकते हैं, सॉलिड के पार्टिकल कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ इस तरीके से भी सॉयल फॉर्म हो सकती है। तो वो जरूरी नहीं है आपका कि सॉयल हमेशा इसी अरेंजमेंट में रहे, बट हम अपनी स्टडी के लिए हम इसको ऐसा दिखाएंगे कि उसमें से एक ब्लॉक सॉलिड का दिखा देंगे, एक ब्लॉक वाटर का, और एक ब्लॉक एयर का दिखा देंगे। अब हम इसके फेज सिस्टम की स्टडी करते हैं,
तो सोयल में बेसिकली तीन फेज सिस्टम होते हैं, उसमें सबसे पहले हम तीन फेज सिस्टम होते हैं जिनको अलग अलग बताएंगे कि उनकी फेज कैसे डिफाइन होती है। देखना ध्यान से कि एक को कंसीडर किया जाता है थ्री फेज सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर तीन अलग अलग स्टेट होनी चाहिए, तीन अलग स्टेट होनी चाहिए। इसका मतलब ये अगर एक जनरल वॉल्यूम बताया, ये पार्ट किसका हो गया सॉलिड, ये पार्ट वाटर और ये पार्ट किसका हो गया एयर का। मतलब थ्री वेज सिस्टम में आपके पास बेसिकली तीन मटेरियल अवेलेबल होंगे या तीन अलग अलग वेरियस पार्ट्स अवेलेबल होंगे, एक पार्ट सॉलिड का, एक प्लस एक वाटर का और एक पार्ट एयर का। इस टाइप की सोयल है ये प्योरली, देखो ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को क्या कहते हैं वॉइड। अगर वॉइड उसके अंदर देखो सॉलिड के अलावा क्या है वॉइड है, वॉइड उसकी डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशंस को डिफाइन करेंगे। जैसे अगर वॉइड पूरा वाटर से भरे हुए हो, मतलब यहां पर एयर अवेलेबल नहीं हो, तो उस केस को हम क्या कहते हैं सैचुरेटेड सोयल, मतलब पूरी तरीके से उसमें पानी है। अगर यहां पर पूरी तरीके से एयर हो, मतलब वाटर अवेलेबल नहीं हो, तो उसको क्या कहते हैं ड्राई सोयल। और थर्ड वन, अगर वहां पर वाटर और एयर दोनों अवेलेबल हो, दैट टाइप ऑफ सोयल इज नोन एज अनसेचुरेटेड सोयल, अनसेचुरेटेड सोयल, या हम इसका दूसरा नाम ले सकते हैं पार्शियली सैचुरेटेड सोयल, पार्शियली सैचुरेटेड सोयल। अब देखना ध्यान से, थ्री वेज सिस्टम के अलावा दूसरा सिस्टम होता है टू फेज सिस्टम में आपके क्या होगा कुछ ऐसा होगा, ये सॉलिड कंटेंट हो गया। अब टू फेज है मतलब यहां पर सॉलिड तो होगा ही होगा हमेशा, बट अब इन दोनों में से कोई एक मटेरियल होगा। अब इन दोनों में से पहले हम मान लेते हैं यहां पर वाटर अवेलेबल है, और सेकंड कंडीशन हम ओढ़ लेते हैं जिसके अंदर सॉलिड के साथ साथ क्या अवेलेबल है, दोनों में सॉलिड तो अवेलेबल होगा, यहां पर क्या हो गया एयर। मतलब इस बार जितना भी वॉइड था वो इसमें किससे फिल किया गया, वाटर से, और इसमें किससे फिल किया गया एयर से फिल किया गया है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट किसका हो गया वॉइड का। सिमिलरली इसमें भी ये वाला पार्ट किसका हो गया वॉइड का। क्लियर है? तो जो वॉइड है उस पे मतलब इसकी जो सैचुरेशन या सोयल का जो टाइप है वो किस पे डिफाइन होगा, उसके वॉइड्स किससे फिल किए गए हैं। तो वॉइड्स अगर वाटर से फिल किए गए हैं तो दिस टाइप ऑफ सोयल इज नोन एज फुल्ली सैचुरेटेड सोयल, या सैचुरेटेड सोयल भी बोल सकते हो। और अगर यहां पर एयर से फिल किए गए हैं, मतलब यहां पर पानी की क्वांटिटी है ही नहीं, और जहां पर पानी नहीं होती, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं ड्राई सोयल, मतलब ये सूखी हुई सोयल है, यहां पर ड्राइनेस है। क्लियर है? यहां पर वाटर अवेलेबल नहीं है। क्लियर है यहां तक? अब देखो यहां पर हमने थ्री वेज और टू वेज सिस्टम को डिफाइन कर दिया। अब इसके बेस पे मैं जनरलाइज आपको डिनोटेशन बताऊंगा इसके, कि इसको आपको नोटेशन कैसे देने हैं इसके, कि आपको बार बार, क्योंकि ये वाला टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो आपके बार बार पूरी सोयल इंजीनियरिंग में काम आएगा। बार बार जहां भी बात चलेगी वहां पर आगे हम नोटेशन की बात करेंगे, उसमें हम ये नहीं बताएंगे कि VW इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉटर होता है। क्लियर है? देखना ध्यान से, ये एक यहां पर अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है डिनोटेशन ऑफ वेरियस सोयल प्रॉपर्टीज। ठीक है? तो ये एक जनरलाइज थ्री फेज सिस्टम हम बना रहे हैं, ये सॉलिड का पार्ट हो गया, ये वाटर का पार्ट हो गया, और ये पार्ट एयर का हो गया। क्लियर है? तो देखना ध्यान से, ये वाला पार्ट एयर का हो गया, तो ये वॉल्यूम, इसको हम अगर वॉल्यूम से दिखाएं तो ये वॉल्यूम ऑफ एयर, ये वॉल्यूम ऑफ वॉटर, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सिमिलरली अगर ये वेट के कॉरेस्पॉन्डिंग दिखाएं तो ये वेट ऑफ एयर, ये वेट ऑफ वॉटर, और ये वेट ऑफ सॉलिड हो जाएगा। डब्ल्यू एस से भी दिखाते हैं इसको, और कभी कभी डब्ल्यू एस लिंकेज लिमिट्स को भी डिफाइन करता है, इसलिए हम इसको किससे दिखाते हैं डब्ल्यू डी से भी दिखाते हैं। तो जिससे दिखाना चाहो उससे दिखा सकते हो। अब देखो इसमें हमने वेट ऑफ एयर है उसको क्या माना जाता है, जनरली जीरो माना जाता है, तो वेट ऑफ एयर तो कंसिडर नहीं करेंगे। इसका मतलब अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं सोयल इज इक्वल्स टू सॉलिड प्लस वॉटर प्लस एयर, अगर कोई भी एक पार्ट जीरो का तो उसको जीरो कर देंगे। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सोयल है उसको क्या दिखा देंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड
प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। सिमिलरली वेट ऑफ सोयल को कैसे दिखा देंगे, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ एयर, और वेट ऑफ एयर को यहां पर क्या दिखा देंगे, जीरो। तो इसका मतलब अगर इसको अगर हम जीरो करते हैं तो ये वाला पार्ट कैसे लिखा जाता है, वेट ऑफ सोयल इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। मतलब जब भी वेट की बात करेंगे तो दो ही वेट होंगे हमारे पास, सॉलिड और वाटर के, क्लियर है। और यहां पर अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो हमारे पास तीनों वॉल्यूम अवेलेबल होंगे, क्लियर है यहां तक। ये था बेसिक जो डिनोटेशन था, आप इसको इंडिविजुअल डिनोटेशन है उसको हम यहां पर लिख भी देते हैं इनके सामने। इसको हम क्या बता रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इसको हम क्या बता रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर, और इसको क्या बता रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर। ये जो डब्ल्यू एस है इसको क्या बता रहे हैं, वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड, और डब्ल्यू डब्ल्यू को क्या बता रहे हैं, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर, क्लियर है। वेट ऑफ एयर तो जीरो कंसीडर किया जाता है, ये इसके डिनोटेशन थे।